स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। जैसा कि जो भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं या नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, और जो उत्तर प्रदेश से हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बोर्ड है, और उससे एफिलिएटेड कॉलेज से डी फार्मा या जीएनएम कर रहे हैं या बी फार्मा कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और एग्ज़ाम की कोई डेट अभी तक डिसाइड नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम होना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होना ही है। लेकिन बस यही है कि अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होता है तो डेट कुछ और आगे जा सकती है, एग्ज़ाम लेट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट को एग्ज़ाम की डेट से थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन आपका काम है पढ़ाई करते रहना। तो जैसा कि डी फार्मा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इस चीज़ को लेकर के, कि वैसे तो दिक्कत इसलिए होना लाजमी है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि पेपर किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत हो रही हैं उनको। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके जो क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि पहले ही आपको सिलेबस और सब्जेक्ट आपके बता दिए गए हैं, मैंने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक भी फर्स्ट ईयर वालों को बताए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनका फर्स्ट पेपर, मैं मॉडल पेपर आज आपको समझाऊंगा और इसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो टॉपिक पे जाने से पहले, जितने भी चैनल पे, जो भी लोग चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन बार ऑन हो जाए, और ज्यों ही मैं वीडियो अपनी, जो भी नई अपडेट मेरी आती है, तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ गई है। आप जाकर के वीडियो सेक्शन में आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है कमेंट कीजिए। बार बार मैं यही कहता हूँ कि आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए, ताकि आपकी बात मेरे तक पहुंचेगी तो मैं आपके जो भी कन्फ्यूजन है मैं उसको अच्छी तरह से समझ पाऊंगा और उसे उसके अनुसार मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, डिप्लोमा फार्मेसी के जो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनका आज मॉडल पेपर मैं समझाऊंगा। तो पेपर का जो प्रारूप है, इस तरह से आपको एग्जाम में सेम इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पेपर का पैटर्न सेम यही है। तो जो डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका फर्स्ट पेपर है आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य वृत्त। जो स्टूडेंट नए हैं या जिनकी क्लास नहीं चलती है, कॉलेज में क्लास नहीं चल रहा है, उन्हें अपने सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में नहीं पता, तो मैं उन्हें बता दूं कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य वृत्त। तो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य वृत्त फर्स्ट पेपर है, और सेकंड पेपर जो है आपका शरीर रचना और क्रिया विज्ञान है, और थर्ड पेपर जो है द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय है। तो इस तरह से तीन पेपर हैं और तीनों पेपर के जो मार्क है मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फर्स्ट पेपर का जो मार्क है आपका 100 मार्क का है, तो मतलब तीनों पेपर के सेम मार्क है। थियोरी में 300 नंबर के आपके पेपर होने हैं और प्रैक्टिकल भी आपको 300 नंबर के ही देने हैं, तो मतलब कि 600 का आपका फर्स्ट ईयर में एग्जाम होना है। तो 100 मार्क का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन के मार्क होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है नोट कि नहीं, 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी के अंक समान हैं। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि आपको पहले यहाँ पे बता दिया गया है कि 5 प्रश्न के ही बस आंसर देना है। तो जितने तीनों पेपर आपके होंगे, तीनों पेपर में आपको 5 प्रश्न के ही आंसर देना है, 5 ही क्वेश्चन करना है, और एग्जाम में आपको 7 प्रश्न आते हैं। मतलब कि जो भी पेपर है उसमें आपको 7 प्रश्न मिलेंगे और 7 में से बस 5 के आंसर आउट करने हैं, मतलब 5 के ही बस अब आपको आंसर देने हैं। तो इस चीज के लिए जो कंफ्यूजन होगी उसको दिमाग में निकाल दीजिएगा। आपको 7 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सभी के अंक समान है, तो सभी के अंक समान है मतलब 5 अगर प्रश्न है तो हर प्रश्न का जो आंसर है आपको 20 नंबर का है, मतलब कि आप आंसर दोगे तो एक प्रश्न पे आपको 20 नंबर मिलेगा। तो 5 क्वेश्चन है तो 20 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 मार्क आपको पता चल रहा है कि हर क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, 100 नंबर का आपका पेपर होना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो एक तरह का मॉडल पेपर है इस तरह, इसमें मैं आपको
100% तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 50% चांस है कि कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें से मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आयुर्वेद अवतरण का विस्तृत वर्णन करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है आपको कि आयुर्वेद अवतरण का विस्तृत वर्णन करें, मतलब कि आयुर्वेद का अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ, प्राचीन आयुर्वेद कैसा था और आयुर्वेद किस तरह से विकसित हो चुका है और अभी किस तरह की चिकित्सा पद्धति इसमें चल रही है, किस तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें अप्लाई हो रही है, कैसे चीजें चल रही हैं। तो ये आयुर्वेद अवतरण का पूरा प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक जो आयुर्वेद है उसमें क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं, प्राचीन काल में आयुर्वेद कैसा था, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में देनी है। और आयुर्वेद अवतरण के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो सेक्शन में आपको जो टॉपिक वाला जो सेक्शन है, प्लेलिस्ट की जो सेक्शन है उसमें जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। मैंने उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया हुआ है, टॉपिक मैंने समझाया अच्छी तरह से। तो आयुर्वेद अवतरण को अगर लिखना है तो आप सिंपली उसमें लिख सकते हो। तो आयुर्वेद अवतरण का विस्तृत वर्णन करना मतलब कि आपको 20 नंबर अगर पाना है इस क्वेश्चन में तो आपको पूरे आंसर को डिटेल में लिखना पड़ेगा। प्राचीन आयुर्वेद से लेकर के आधुनिक आयुर्वेद तक की जो भी चीजें हैं आपको हेडिंग बाय हेडिंग सारी चीजें डिटेल में लिखनी होगी। कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि आपको आंसर इंग्लिश में देना है, संस्कृत में देना है, हिंदी में देना है। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर आप संस्कृत के श्लोक अच्छी तरह से याद कर लिए हैं तो आप संस्कृत के श्लोक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपने टॉपिक सही से पढ़ा होगा तो कुछ श्लोक हैं जो याद करने वाले हैं तो श्लोक लिखिए, उसके अर्थ लिखिए और स्टेप बाय स्टेप हेडिंग के साथ आप सारी चीजें आंसर में आप मेंशन कर सकते हो, जिससे आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। श्लोक अगर संस्कृत के लिखते हैं, कुछ हेडिंग प्रॉपर तरीके से डालते हो तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे और वो पूरा मिलता है। ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं कि हमें एग्जाम में कम नंबर मिले तो वो उनकी गलत फहमी होती है। आप जितना लिखते हो बोर्ड में कॉपी उसी तरह की चेक होती है और उतने ही नंबर आपको मिलते हैं आप जितना लिखे हुए हो। अगर आप गलत लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जा रहा है, आयुर्वेद अवतरण का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते जाइए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और मैं एकदम 100% गारंटी दे रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं उसके ऊपर आपने ध्यान दे करके उस तरह से अगर आंसर लिखा तो आपको 100% मार्क मिलने ही मिलने हैं, कोई मार्क कटना नहीं है। और इस तरह से अगर आपने तैयारी कर ली तो आपको 100 में से मैक्सिमम 85-90 मार्क तक आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, जनपोध्वंस के कारण लिखते हुए दूषित वायु एवं जल के कारण होने वाली व्याधियों के विषय में बताएं। एक बार क्वेश्चन और पढ़ देता हूं, जनपोध्वंस के कारण लिखते हुए दूषित वायु एवं जल के कारण होने वाली व्याधियों के विषय में बताएं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा जनपोध्वंस है क्या। जो जनपोध्वंस जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं एक बार और बता देता हूं, जनपोध्वंस दो वर्ड से बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जनपद मतलब स्थान और ध्वंस मतलब स्थान में होने वाली जो दूषित अशुद्धियां हैं या जो भी प्रदूषित जो अशुद्धियां हैं, कण हैं, वो मिल जाते हैं तो किसी स्थान विशेष को प्रदूषित कर देते हैं। तो चाहे वो जनपद में वायु हो गई, जल हो गया, भूमि हो गई, तो ये सारी चीजें अगर दूषित हो जाती हैं तो उसको ही हम जनपोध्वंस कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं जनपोध्वंस पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब महामारी। तो महामारी किस तरह से फैलता है, शरीर में बीमारियां कैसे आती, कोई भी पेंडेमिक, जैसे इस समय कोरोना है। पुराने समय में क्या था, बहुत सारी चीजें थी, दवाइयां नहीं थी, तो कोई भी छोटी मोटी बीमारी जो थी महामारी की तरह फैल जाती थी। तो जनपोध्वंस हम पेंडेमिक को भी, एपिडेमिक को भी कह सकते हैं कि जनपोध्वंस है। तो जनपोध्वंस का मतलब यह है कि अगर आसपास की वायु, भूमि और जल किसी कारणवश दूषित हो जाता है या कोई बाह्य कारक आकर के, चाहे वो जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, उसमें आकर के प्रवेश कर जाता है और हमें बीमार कर देता है तो उसे हम कहते हैं जनपोध्वंस। इस तरह से समझ सकते हैं, जनपद विध्वंस भी कह सकते हैं कि उस जगह को ये पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं और उस जगह पे, उस वायु में, उस जल में रहने वाले, उस पे जो आश्रित जो लोग हैं, उस पे जो लोग डिपेंड हैं, उससे उनको इफेक्ट पहुंच रहा है, प्रभाव पहुंच रहा है, वो प्रभावित हो रहा है और उनको बीमारियां लग जा रही हैं, तो उसी को हम जनपोध्वंस कहेंगे। तो जनपोध्वंस के कारण लिखना है हमें,
तो जनपोध्वंस किस कारण होता है? तो उसके कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण है, तो आप बहुत ही सरल भाषा में अगर चाहें तो लिख सकते हैं, जनपोध्वंस का कारण हो सकता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। अब अगर आपने इंटर सही तरीके से पढ़ा होगा, बायोलॉजी के टॉपिक जो है सही तरीके से अगर पढ़े होंगे, तो ज्यादा चीजें आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। वायु प्रदूषण पे आप अगर 100 शब्द लिखने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो, जल प्रदूषण पे भी लिख सकते हैं, और भूमि प्रदूषण मतलब मृदा प्रदूषण पे भी लिख सकते हो कि कैसे ये चीजें खराब होती हैं। मैं सिंपल सा डिफिनेशन बस बता देता हूं, अगर किसी भी प्रदूषण की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप आसानी से बस इतना आप लिख सकते हो कि अगर कोई भी प्रदूषण है, अगर जल प्रदूषण है तो आप अगर जल प्रदूषण पे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, अगर जल में बाह्य अशुद्धियां मिल जाती हैं और शुद्ध जल को मतलब साफ सुथरे जल को अशुद्ध कर देते हैं तो उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। उसी तरह से वायु प्रदूषण का भी लिख सकते हैं, भूमि प्रदूषण का भी लिख सकते हैं। तो आपको इनके कारण बताना है और इसमें पॉइंट आउट भी कर दिया है, दूषित वायु और जल, तो दूषित वायु और जल से होने वाली बीमारियों के विषय में बता रहे हैं। तो व्याधियों मतलब हो गया बीमारियां, तो दूषित वायु और जल से जो बीमारियां होती हैं उसके ऊपर आपको डिटेल में लिखना है। तो आप हेडिंग के थ्रू भी लिख सकते हो, जनपोध्वंस हेडिंग लिख करके जनपोध्वंस को आप परिभाषित कर दीजिएगा, जनपोध्वंस के कारण जो दूषित जो वायु है क्यों होती है, जल दूषित क्यों होता है, फिर उसके बाद से दूषित वायु दूषित जल हेडिंग डाल करके, फिर उसके बाद से दूषित वायु से होने वाली बीमारियां, दूषित जल से होने वाली बीमारियां, इतना करके आप लिखेंगे तो आपको कम से कम 2-3 पेज का आंसर हो जाएगा, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 20 नंबर का आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि आप उसी तरह से वीडियो लंबी हो जाती है तो आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, आप स्किप कर देते हो, तो इससे नुकसान आपका होता है। आपको ये लगता है कि आप अगर शॉर्ट तरीके से आप वीडियो देख लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। वीडियो को आप डिटेल में देखिए तभी सारी चीजें समझ में आएंगी, और मेरा नुकसान नहीं होगा। अगर आप अगर वीडियो स्किप करते हो तो नुकसान आपका होना है, आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आयुर्वेद की परिभाषा लिखते हुए सुखायु के लक्षण एवं आयुर्वेद के प्रयोजन पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं, आयुर्वेद की परिभाषा लिखते हुए सुखायु के लक्षण और आयुर्वेद के प्रयोजन पे आपको प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले तो आयुर्वेद की परिभाषा, अगर आपने सही तरीके से क्लास किया होगा तो पहली क्लास जो है इसी से स्टार्ट होती है, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद किसे कहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर जिन्होंने क्लास नहीं किया है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, एक सिंपल सा श्लोक है, आप हमेशा याद कर लीजिए, आयुर्वेद यति बोधयति इति आयुर्वेद, एक आसान सा श्लोक है, किसी को भी याद हो जाएगा, आयुर्वेद यति बोधयति इति आयुर्वेद, और इसी पे पूरा आयुर्वेद आधारित है। मतलब आयुर्वेद यति बोधयति इति आयुर्वेद का मतलब ये, आयुर्वेद वह विज्ञान है जो आयु मतलब कि जो हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की, स्वस्थ बनाए रखने की कोशिश करता है, और अगर हम बीमार हो गए तो हमें स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश करता है, तो उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। तो इस तरह से आसान भाषा में आप परिभाषा लिख सकते हैं, आसान भाषा में अगर लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो परिभाषा हो गई, फिर कह रहा है कि सुखायु के लक्षण एवं प्रयोजन पर प्रकाश डालना है। तो सुखायु के लक्षण कैसे हैं, तो अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपने मेरी सभी वीडियो देखी होगी, तो मैंने आयु पूरी अच्छी तरह से आपको बताया है, और आयु में सुखायु, दुखायु और हितायु तीनों के बारे में मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। लेकिन इस वीडियो सेक्शन में भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सिंपली शॉर्ट एक डिफिनीशन दे देता हूँ। अगर सुखायु के बारे में पूछा जाए, सुखायु किसे कहते हैं, तो मतलब मानो कि वह आयु जिसमें उसे न तो व्याधि है, न ही कोई पीड़ा है, न ही कोई रोग है, न ही कोई दोष है, और वह जो आयु काल जिसमें उसे ये सारी चीजें नहीं है, तो उसी आयु काल को हम सुखायु कहेंगे। इसके आधार पे आप दुखायु और हितायु के ऊपर भी आप लिख सकते हो। तो इसमें कह रहा है कि सुखायु के लक्षण पे प्रकाश डालना है। तो सुखायु के लक्षण मतलब यही कि सुखायु जो है उसमें क्या क्या चीजें मानव जीवन में हो रही हैं, अगर कोई मानव सुखायु में है तो उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही है, उसके शरीर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कार्य प्रणाली क्या हो सकती है शरीर की, तो ये सारी चीजें उसमें अगर लिख देते हैं तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो चौथा क्वेश्चन है, आरोग्य की परिभाषा लिखते हुए स्वस्थ पुरुष के लक्षण, दंत शोधन तथा नेत्र रक्षा के बारे में लिखिए। तो चौथा क्वेश्चन है, आरोग्य की परिभाषा लिखते हुए स्वस्थ पुरुष के लक्षण, दंत शोधन तथा नेत्र रक्षा के बारे में लिखिए। तो क्वेश्चन बहुत ही
आसान है, अगर आप क्वेश्चन 2 बार पढ़ देंगे तो आंसर आसानी से दे सकते हैं। और बस दिक्कत उन्हीं के लिए जिन्होंने क्लास नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पे लेट आए हो, या आपने मेरी सारी वीडियो नहीं देखी है। तो अगर अभी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो सेक्शन से सारी वीडियो आप एक एक करके देख लीजिए, तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मैंने बताए हुए आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आरोग्य की परिभाषा लिखिए। तो आरोग्य का मतलब क्या? आरोग्य का मतलब जब हमारे शरीर में कोई व्याधि है या शरीर अस्वस्थ है, तो हम उसको आयुर्वेद के द्वारा अगर सही कर ले रहे हैं, हम बीमारी मुक्त हो जा रहे हैं, तो उसे ही हम आरोग्य कहेंगे। या अगर हम स्वस्थ हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ ही रह रहे हैं आयुर्वेद का प्रयोजन करके, आयुर्वेद का प्रयोग करके, तो उसे ही हम आरोग्य कहेंगे। ये साधारण भाषा में आप आसानी से इसको लिख सकते हो। उसके बाद से कह रहा है स्वस्थ पुरुष के लक्षण। तो मुझे ये नहीं लगता है कि कोई स्वस्थ पुरुष के लक्षण नहीं लिख सकता है। स्वस्थ पुरुष मतलब कि जो भी मनुष्य स्वस्थ है उसके शरीर में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो आप हेडिंग करके लिख सकते हो स्वस्थ पुरुष के लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आउट कर दीजिए 5-6 लक्षण जो है स्वस्थ पुरुष के लिख दीजिए। जैसे स्वस्थ पुरुष आसानी से पैदल चल सकता है, स्वस्थ पुरुष सामान्य तरह से बोल सकता है, स्वस्थ पुरुष जो है नेत्रों से पर्याप्त दूरी तक देख सकता है। तो इस तरह से आप सारी चीजें इसमें पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन में है दंत शोधन। तो दंत शोधन दिनचर्या अगर आपने पढ़ा होगा स्वस्थ वृत्त में दिनचर्या, तो उसमें दंत शोधन आपको बताया गया होगा। तो दंत शोधन पे आप लिख सकते हैं, दंत शोधन हेडिंग डाल करके आप लिख दीजिएगा, मतलब दांतों की सफाई को ही हम दंत शोधन कहते हैं। इसमें जब भी हम दंत शोधन की बात करते हैं तो दातुन का प्रयोग करने के लिए आपको आयुर्वेद में बताया गया है। दातुन जो है रस के ऊपर डिपेंड करता है, मधुर रस कटु रस के दातुन ही करने के लिए बताया गया है। और ऐसे दातुन का प्रयोग करना है जिसमें व्रण ना हो, मतलब कि वह साफ पेड़ से या स्वस्थ पेड़ से दातुन होना चाहिए, और 12 अंगुल लंबी दातुन का प्रयोग करना। ये सारी चीजें आपको दिनचर्या में बताई गई है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से डिटेल में आपको समझा दूंगा। उसी तरह से नेत्र शोधन की अगर बात करेंगे, नेत्र रक्षा, तो नेत्र रक्षा के लिए भी बताया गया है कि जिसमें आपको अंजन बताया गया। अंजन मतलब कि आंखों में काजल लगाने के लिए, तो आंखों में काजल लगाने का जो नियम है वो भी मैंने बताया है कि आंखों में काजल आपको दिन में लगाना है, रात्रि में काजल नहीं लगाना है। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो अंजन जो है कभी भी तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करना चाहिए। तो और ये भी बताया गया है कि निषेध क्या है, काजल कब नहीं करना चाहिए। आंख में अगर कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है आंख में, तो हमें काजल नहीं लगाने हैं। और काजल जो है हमारे नेत्र दृष्टि को बनाए रखता है, बहुत सारी नेत्र में जो दिक्कत होती है उसको दूर करता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये सारी चीजें डिटेल में लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न जो है आपको ये चीज ध्यान में रखना है, 7 प्रश्न होते हैं, 7 में से कभी भी आपको 3 प्रश्न ऐसे आ जाएंगे जिसमें टिप्पणी लिखना होता है, टिप्पणी टाइप के आंसर आपको लिखने होते हैं। और टिप्पणी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में 2 ही टिप्पणी क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन में 4 टिप्पणी मिलती है। तो 5वें और 6वें क्वेश्चन में मैंने 2-2 टिप्पणी सेट की हुई है, लेकिन आपको एग्जाम में एक सेक्शन में आपको 4 टिप्पणी मिल जाएगी। तो 7वां क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, 6 क्वेश्चन है, बहुत है। आप 6 को रिविजन कर लेंगे तो आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 5वें प्रश्न में टिप्पणी करने के लिए दिया है। तो पहला है आचार रसायन और दूसरा है आहार काल। तो जो आयुर्वेद के स्टूडेंट है, क्लास प्रॉपर कर रहे होंगे, सारी चीजें समझ रहे होंगे, तो इनको ये चीजें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट मैंने देखे हुए हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि सर हम आयुर्वेद से फार्मेसी करके बेकार हैं। तो आप बेकार रहोगे, और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप बेकार इसलिए हो क्योंकि आपने अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को सही से पढ़ा नहीं है, थ्योरी आपने सही से अटेंड नहीं किया, प्रैक्टिकल आपने सही से नहीं किया, इंटर्नशिप सही से नहीं किया, तो आप बेकार रहोगे, ये मैं कह रहा हूँ। और बार बार कहता हूँ कि आपको क्लास करना जरूरी है, प्रॉपर तरीके से इंटर्नशिप करनी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना है, तब आप बेकार नहीं रहोगे, ये मैं वादा करता हूँ आपको कि अगर आपने सही चीजें सही तरीके से पढ़ी है तो आप बेकार कभी नहीं होंगे। तो आप टॉपिक को ध्यान पूर्वक देखें और अच्छी तरह से समझें, बेकार नहीं होंगे। तो पहला इसमें टिप्पणी का क्वेश्चन है आचार रसायन,
तो आचार रसायन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आचार रसायन समझ के ये समझेंगे कि आचार में डालने वाला जो रसायन है उसको आचार रसायन कहते हैं। तो ये मूर्खता है आपकी, आप आयुर्वेद से पढ़े और आपसे अगर आचार रसायन पूछा जाए तो आप ये लिख दे कि आचार में डालने वाला जो केमिकल है उसको हम आचार रसायन कहते हैं। तो ये आपका दुर्भाग्य कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, किस तरह से आपने आपने पढ़ा है कि आप इस तरह से आंसर दे रहे हो। तो आचार रसायन का मतलब ये नहीं हुआ कि आचार में जो रसायन डाला जाता है उसको आचार रसायन कहते हैं, कभी नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आचार लिखा है, अगर आ की मात्रा नहीं होती, अचार रहता, तब हम समझ सकते कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, आप आचार रसायन लिख सकते थे। आचार रसायन का मतलब, आचार का मतलब आचरण से समझ सकते हैं, और रसायन मतलब आचरण को मजबूत बनाने वाला, आचरण को सुदृढ़ बनाने वाला जो जो भी कार्य है उसको हम आचार रसायन कहते हैं। अब समझ सकते हैं आचार रसायन, लिख सकते हैं कि ईमानदारी, धैर्य, विनयशीलता और कुशलता, जिससे आप अनुशासन में बने हुए हो, दक्ष हो, किसी से सही तरीके से बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें कुछ जो हैं आपको बहुत ज्यादा सुदृढ़ बना रहे हैं और समाज में पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं। तो उसी चीजों को जिससे हमारा आचरण सुधर रहा है, मजबूत हो रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, आचार रसायन कहेंगे। शॉर्ट नोट में कभी भी आपको एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना होता है, और एक शॉर्ट नोट आपका जो है 5 नंबर का होगा। तो इसलिए आपको हर सेक्शन में जहां भी आपको शॉर्ट नोट टिप्पणी मिलेगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे और चारों के आंसर के मार्क जो है सेम होंगे। तो 5 5 नंबर के 4 हो गए तो 20 नंबर के हो गए। दूसरा देख लेते हैं आहार काल। तो आहार काल का मतलब कि भोजन का जो समय है, भोजन का जो काल है, कब कब भोजन किया जाता है, तो कब कब भोजन करेंगे। तो उस तरह से अगर देखेंगे तो खाने वाले जो लोग हैं कई तरह के लिख सकते हैं। आहार काल में लिख देंगे कि हम सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में भोजन खाते हैं, 4 टाइम भोजन खाते हैं और फिर उसके बाद से सो जाते हैं। तो ये नहीं लिखना है आपको। आहार काल का मतलब ये है कि भोजन का जो काल है किस तरह का है। तो अगर भोजन का काल अगर देखें तो दो ही होता है, एक होता है नित्यक आहार काल, दो होते हैं नित्यक जो कि रेगुलर हम खाते हैं, और एक होता है अवस्थिक। तो नित्यक मतलब रोज हम खा रहे हैं, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम जैसा रेगुलर खाते हैं उसी तरह का खाना खा रहे हैं। लेकिन अवस्थिक जो काल है आहार का वो बदल जाता है, वो हमारी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हम बीमार होते हैं तो हमारा आहार जो है बदल जाता है और उसमें हम अलग तरीके से खाना खाते हैं और दवाइयों के अनुसार कुछ भोजन जो है निर्धारित हो जाते हैं। तो आहार काल में आप यही लिखेंगे कि आहार काल दो होते हैं, नित्यक और अवस्थिक। तो इस तरह से आप उसको डिटेल में आप समझा देंगे जैसा कि मैंने अभी बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये आपका, शॉर्ट नोट ही है इसमें भी। इसमें दो तरह के शॉर्ट नोट है। इसके पहले मैंने एक अभी इसके पहले मैंने एक आपको वीडियो दिया था जिसमें बताया गया है संस्कृत में बहुत सारी बीमारियां थी और उसको एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग मैंने बताया था कि स्किन का रोग है, लंबे समय तक रहता है, तो मतलब कि पूरे जीवन पर्यंत रहने वाला रोग है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को इसमें लकवा मार जाता है, तो उसी को हम कुष्ठ या कोढ़ कहते हैं, बता चुका हूं मैं। फिर दूसरा है स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, इसी तरह से एग्जाम में भी आपको पूछ देता है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण, तो यहाँ पे मैंने अभी स्वस्थ पुरुष के लक्षण इस क्वेश्चन में पढ़ा है 4 नंबर में, तो सेम जो स्वस्थ पुरुष के लक्षण आपने वहां लिखा है वही स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्हें भी क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं समझ में आया है, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से आपको उस सब चीजों को समझा दूंगा। आप एक बार पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो मॉडल पेपर टाइप का ही है। आप ये मत सोचिएगा कि इसी तरह का पेपर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि कुछ क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए, एग्जाम होने हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ एग्जाम होने, आप ये मत समझिएगा कि आपको बोर्ड प्रमोट कर देगा, तो ये नहीं हो सकता, आपका एग्जाम होगा। तो जितने भी क्वेश्चन बताए गए और आंसर एक्सप्लेन करके जिस तरह से समझाएं, आप उसको ध्यान से देखिए और बार बार, मैं तो कहूंगा कि आप बार बार उसको रिपीट करके देखिए ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। और ये क्लास इतनी अच्छी है आपकी कि अगर आपने बस ये वीडियो देख लिया तो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य वृत्त का आधे से अधिक टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कन्फ्यूजन है, नहीं चीजें समझ में आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, और बहुत ही जल्दी मैं आपको सेकेंड वीडियो में मिलूंगा आपके सेकेंड पेपर के साथ, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के, जो कि डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, जल्दी ही आपको ये सेकेंड मॉडल पेपर मैं देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।